गट्टू और गुलाबी परी। एक दिन गट्टू बहुत उदास बैठा था। उसका घर में किसी काम में मन नहीं लग रहा था, तो उदास गट्टू ने सोचा कि क्यों ना पेंटिंग ही की जाए। गट्टू ने अपनी ड्राइंग शीट पर पेंटिंग करना शुरू किया और पेंटिंग में उसने प्यारी प्यारी तितलियां बनाई और बनाई एक प्यारी सी गुलाबी परी। गट्टू पेंटिंग करते हुए भी न जाने किस बात को लेकर उदास था। तभी गट्टू की आंख से एक आंसू टपक कर उसकी पेंटिंग में बनी हुई परी पर गिर गया। आंसू गिरते ही उस पेंटिंग में से खूब सारा गुलाबी धुआं निकला। धुएं को देखकर गट्टू घबरा गया और उसने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब गट्टू ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक गुलाबी परी खड़ी है, जो बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि उसने पेंटिंग में बनाई थी। गट्टू ने उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं मैं हूँ कैंडी, वही गुलाबी परी जो तुमने अभी अभी बनाई थी। गट्टू आंखें फाड़ फाड़ कर अपने पेंटिंग को उस परी से कंपेयर करने की कोशिश करता है। अरे हाँ, तुम तो यही हो, गुलाबी परी। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? जो बच्चे उदास होते हैं, मैं उन्हें पिंक कैंडी देने चली आती हूँ। गट्टू के चेहरे पर एकदम से स्माइल आ जाती है। सच? तुम मुझे पिंक कैंडी दोगी? लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम इतने उदास क्यों हो। गट्टू का चेहरा फिर उदास हो जाता है और गट्टू कहता है, मम्मी कहती है कि मम्मी इस बार मुझे नानी के घर नहीं ले जाएंगी। क्यों? इस बार मम्मी केवल चिंकी को साथ ले जा रही हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि मम्मी कहती है कि तुम बहुत बिगड़ गए हो गट्टू, ना ही बड़ों की बात मानते हो और ना ही उनका सम्मान करते हो। इस बार मैं तुम्हें नानी के घर नहीं लेकर जाऊंगी। चिंकी, चिंकी, कुछ करो ना, नहीं तो माँ इस बार मुझे नानी के घर नहीं लेकर जाएंगी। फिर मैं नानी के बगीचे के अमरूद और जामुन कैसे खाऊंगा? गट्टू, इस बार माँ तुमसे बहुत नाराज है। लगता है इस बार सच में माँ तुम्हें पापा के पास छोड़ के जाएंगी। रो मत गट्टू। एक काम करो, तुम अपना हॉलिडे होमवर्क पूरा कर लो, हो सकता है माँ खुश होकर तुम्हें अपने साथ ले जाए। और अगर फिर भी नहीं ले गई तो? तो फिर अब कोई चमत्कार ही तुम्हें नानी के घर ले जा सकता है। चिंकी कहती है कि अब कोई चमत्कार ही मुझे नानी के घर ले जा सकता है। चिंकी बिल्कुल ठीक कहती है, तो चलो चमत्कार करते हैं। गट्टू, अगर तुम्हें नानी के घर जाना है तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। सबसे पहले तुम्हें रोज अपना होमवर्क टाइम से खत्म करके एक घंटा माँ और दादी के साथ बिताना होगा और पापा की फाइल्स उनकी मेज पर जमानी होगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, याद रहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना कहकर परी छू करके गायब हो गई और जहाँ से आई थी वहीं चली गई। गट्टू ने अपनी ड्राइंग बुक बंद करी और वहीं लेट गया। गट्टू सो रहा था और उसने सुना कि दादी बाहर से किसी को मदद के लिए बुला रही है। कोई है चिंकी? गट्टू। गट्टू ने दादी की आवाज अनसुनी कर दी और फिर सो गया कि तभी गट्टू को एक और आवाज आई। उठो, उठो गट्टू। गट्टू को समझ नहीं आया कि ये आवाज कहां से आई और किसकी है। फिर उसका ध्यान उसकी पॉकेट पर गया। ये क्या? परी गट्टू की पॉकेट में बैठी थी। मैंने कहा था ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जाओ, बाहर दादी तुम्हें बुला रही है। लेकिन बाहर गया तो दादी पक्का मुझे कोई ना कोई काम बता देगी। गट्टू, चमत्कार होते देखना है ना। इतना सुनकर गट्टू तुरंत उठकर बाहर जाता है। गट्टू, गट्टू, मेरे दूध का टाइम हो गया,
घर में कोई नहीं, जरा मुझे दूध ला दो। गट्टू चलो किचन में। लेकिन ये तो ठंडा है, माँ ने गैस जलाने को मना किया है। अब मैं क्या करूं? दादी को भूख लगी है। अरे ये क्या, तुम्हें जादू भी आता है? एक काम करो, दादी से कहो कि आज वो ये छाछ पी ले। ये सही रहेगा, और छाछ तो ठंडी ही पी जाती है। अच्छा हुआ तुम मेरे लिए छाछ ले आए गट्टू, मेरा कल से छाछ पीने का बहुत मन कर रहा था। कैंडी सुनो ना, मैं ये बर्तन साफ कर दूं? नहीं गट्टू, तुम अभी छोटे हो, इसलिए इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ठीक है, तब तक मैं ये सामान फ्रिज में जमा देता हूँ, मम्मी देखकर बहुत खुश होंगी। एक दिन घर पर दादी और गट्टू के सिवा और कोई नहीं था। चिंकी और गट्टू के मम्मी पापा बाजार गए हुए थे कि तभी गट्टू को बाहर से दादी के खांसने की आवाज आई। अरे ये तो दादी के खांसने की आवाज है। मैं ठीक हूँ गट्टू, तुम पढ़ने जाओ। गट्टू घबरा जाता है और परी को आवाज लगाता है। कैंडी कैंडी, दादी की तबीयत शायद खराब है, मैं क्या करूं? इतना बुलाने के बाद भी परी नहीं आती। कैंडी, और जल्दी से भागकर किचन में जाता है और दादी को उनकी दवा लाकर देता है। थोड़ी देर बाद गट्टू के माँ और पापा आते हैं और दादी उन्हें पूरी बात बताती है। आपको ऐसी हालत में छोड़कर हम गट्टू के नानी के घर नहीं जाएंगे माँ। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सब जाओ, और हाँ गट्टू को भी साथ ले जाना, नहीं तो यहाँ बोर हो जाएगा। नहीं दादी, हम आपको इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, इस बार हम गर्मियों की छुट्टियाँ आप ही के साथ मनाएंगे। गट्टू ठीक कह रहा है माँ, छुट्टियों का मजा तो घर पर भी उठाया जा सकता है। गट्टू हमें तुम पर गर्व है कि तुमने आज अकेले अपनी दादी का ख्याल रखा। गट्टू ये तो सच में चमत्कार हो गया। और इस तरह सच में चमत्कार हुआ। गट्टू की माँ और दादी ने गट्टू को बहुत प्यार किया और उसे समझ आ गया कि बड़ों का सम्मान और उनकी देखभाल करने से ना केवल उन्हें अच्छा लगता है बल्कि ऐसा करने से छोटों को उनका आशीर्वाद भी मिलता है। कहानी का सार ये है कि हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।